दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार में दिनांक 20 अगस्त 2024 अर्थात आज से जमीन सर्वे का कार्य शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में अगर आपके भी क्षेत्र में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो रहे हैं तो जमीन सर्वे कराने हेतु आपको प्रपत्र 2 फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा, जिसमें कि आपको अपनी जमीन की संपूर्ण विवरण दर्ज करनी होगी। साथ ही दोस्तों आपको वंशावली की 2-2 फॉर्म भरकर प्रपत्र 2 में संलग्न करना होगा और इसके बाद जमीन की जितने भी दस्तावेज हैं वो भी आपको सबमिट करनी होगी। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ पूरे विस्तार से बताएंगे कि जमीन सर्वे करवाने हेतु प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरेंगे, इसकी भी पूरी जानकारी मिलेंगे। साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से वंशावली के दोनों फॉर्म भरकर दिखाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज्य में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों जमीन सर्वे करवाने हेतु प्रपत्र 2 फॉर्म के साथ साथ वंशावली की दोनों फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है राजहेल्प्स.इन लिख के जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक पर आप जैसे ही करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए सर्च बटन देखने में मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और टाइप करना है बिहार जमीन सर्वे फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे। ये लिख के आपको सिंपली इस तरह से सर्च कर देना है। पहले नंबर में ये आर्टिकल आ जाएगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब देखिए इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से बताया गया तो आप इन्हें पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं बिहार जमीन सर्वे में जरूरत अनुसार यह सब फॉर्म की आवश्यकता होगी। अब सर्वे कराने हेतु मान लीजिए किसी का त्रुटि हो जाते हैं या विभिन्न प्रकार के विकल्प देखने को मिलेंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको जो भी फॉर्म की जरूरत होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी ज़मीन के सर्वे कराने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रपत्र 2 रैया द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा प्रपत्र ये जो फॉर्म है इस पर क्लिक करके सबसे पहले आप ये फॉर्म को इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इस तरह से ये फॉर्म को डाउनलोड कर लिया हूँ। अब इस फॉर्म को आपको पूरे बारीकी से भरना होगा। ध्यान रहे कि इस फॉर्म में जो भी ज़मीन का डिटेल्स दर्ज करेंगे वही आपको वंशावली फॉर्म में भी ज़मीन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी, इसलिए आपको पूरे बारीकी से सावधानी से डिटेल दर्ज करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको राजस्व ग्राम का नाम लिखना है, थाना नंबर, हल्का नंबर। हल्का नंबर सब नहीं मालूम है तो अपने नज़दीकी कर्मचारी से संपर्क कीजिए, वहाँ से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगे। यहाँ पे पुलिस थाना का नाम लिखना है, अंचल का नाम, जिला का नाम। अब यहाँ पे जो भी जानकारी मांगा जाता है यही आपको पूरी बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कि आप एक रैया धारक है, जो ज़मीन है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम से है, केवाला भी आप ही के नाम से है, रसीद सब आप ही के नाम से कट रहे हैं, तो ऐसे में उस ज़मीन का कोई भी हिस्सेदार अभी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और पिता करके नीचे आपको अपने पिताजी का नाम लिख लेना है। अब इस ज़मीन का कोई हिस्सेदार नहीं है तो यहाँ पे और कोई डिटेल्स नहीं भरना है और इसी के आगे यहाँ पे जो भी जानकारी मांगा जा रहा है वो आपको पूरे बारीकी से भरना होगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि जो ज़मीन का आप सर्वे कराना चाह रहे हैं वो ज़मीन जो सा आपके दादा परदादा या आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे में उस ज़मीन का जो भी उत्तराधिकारी होंगे, जो भी हिस्सेदार होंगे, उसका जो वो ज़मीन होंगे बराबर बराबर वर्गों में मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी हिस्सेदार होंगे, मान लीजिए 2 हिस्सेदार हैं तो दोनों का नाम दर्ज करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पहले का नाम लिखना है और पिता करके आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे हिस्सेदार का नाम लिखना है और पिता करके आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और आगे यहाँ पे जो भी जानकारी मांगा जा रहा है पूरे बारीकी से आपको भरना होगा। अब ये फॉर्म को कैसे भरेंगे इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के पूरे बारीकी से समझ के पूरे बारीकी से इस फॉर्म को भर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस फॉर्म को मैं फिर से पुनः भरने की प्रक्रिया बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। अब दोस्तों आप जानिए कि अगर आप ये फॉर्म भर लेते हैं तो इसके बाद आपको वंशावली फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और किस प्रकार से भर पाएंगे। अब दोस्तों वंशावली फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी आर्टिकल पर आ जाना है। अब इस आर्टिकल पर आने के बाद दोस्तों आपको वंशावली फॉर्म डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 3-1 और यहाँ पर देखिए वंशावली, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रपत्र 3-1.1 और यहाँ पर देखिए ये फॉर्म दिया गया तो इस पर क्लिक करके ये दोनों फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले मैं ये वंशावली फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ, तो इस तरह से मैं वंशावली पे क्लिक कर दिए।
अब जैसे आप वंशावली पे क्लिक करें दोस्तों, इस तरह से यहाँ देखिए वंशावली फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रपत्र 3-1A वंशावली, और उसके बाद यहाँ देखिए अधिनियम की धारा 5-1। उसके बाद यहाँ पे देखिए शिविर प्रभारी अंचल का नाम लिखना है, यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी जानकारी मांगा जाता है, यहीं पे आप सबका कन्फ्यूजन है तो ये आपको पूरे बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे श्री श्रीमती पुत्र पुत्री पत्नी श्री, अब यहीं पर बारीकी से समझना होता है और यहीं पर फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मान लीजिए कि जो जमीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं वो आपके पिताजी के नाम से है, आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस जमीन का जो भी उत्तराधिकारी होंगे उसका जो ये जमीन होंगे। तो मान लीजिए कि जैसे हमने अभी आपको सर्वे फॉर्म बताया कि दो व्यक्ति हिस्सेदार हैं, तो पहले क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक जो सो नक्शा के माध्यम से बताने वाला हूँ। मान लीजिए ए पर्सन का जमीन है, इसके बाद इनका जो सो दो उत्तराधिकारी है, एक हो गया बी पर्सन और दूसरा हो गया सी पर्सन। तो हो सकता है कि बी पर्सन को भी एक दो बेटे हो और सी पर्सन को भी एक दो बेटे या एक बेटा एक बेटी हो, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले ए पर्सन के नाम से जमीन है, अब ए पर्सन को जो सो दो उत्तराधिकारी है, दो हिस्सेदार हैं, तो पहले यहाँ पे पहले हिस्सेदार का नाम लिखना है, यहाँ पे पहले हिस्सेदार का नाम लिखना है और जो हिस्सेदार हैं उनके पिताजी का नाम यानी जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हिस्सेदार नाम लिखा है उनका जितना भी बेटा बेटी है वो आपको लिखना होगा। तो पहले बेटा का नाम लिखना है, अब पहले बेटा का जो पिता है ये हो जाएगा, तो इनका जो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। इसी तरह से दूसरे बेटा का नाम लिखना है और यहाँ पर दूसरे बेटा के पिता का नाम लिखना है। कोई बिटिया है तो यहाँ पे बिटिया का नाम लिखना है। अब देखिए अगर आप बिटिया को हिस्सा नहीं देना चाहते तो उससे आप कोई प्रूफ ले लीजिए, कुछ लिखवा लीजिए जिससे कि आपको प्रमाणित हो सके कि आपका बिटिया जो आपकी ज़मीन में हिस्सा नहीं ले रही है। क्योंकि दोस्तों आप जो सो बिटिया का भी हिस्सा होते हैं तो ये बात आपको जानना है, या फिर आप उनसे चाहे तो NOC भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर निवास की आपको नाम लिखना है, ग्राम का नाम, थाना, अंचल, जिला, जाति का नाम लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया कि नए भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संकलन प्रपत्र 2 में अंकित है, स्व - पिता - ग्राम। अब यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। देखिए यहाँ पे जो ए पर्सन के नाम से जमीन है उनका नाम लिखना है और ए पर्सन के जो पिताजी का नाम है वो जो से यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसका ग्राम का नाम लिख लीजिए और यहाँ पे जो भी जानकारी मांगा जाता है, जैसे कि ग्राम का नाम, अंचल का नाम, उसका जमाबंदी संख्या, उसका प्रविष्ट संख्या, खतियान, उसके बाद खेसरा संख्या, रकबा, ये सब आपको जानकारी भर लेना, तो ये आसानी से आप भर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको जो सो विश्वास भाजन कर लेना, याचिकाओं का हस्ताक्षर करना है, जितने भी इनके हिस्सेदार हैं वो जो सो आपको यहाँ पे डिटेल दर्ज करना हो। तो इस तरह से ए पर्सन का जो बी बेटा है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दर्ज हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ए पर्सन का जो सी वाले बेटा है उसका भी जितना जो सो उत्तराधिकारी होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, उसका भी जो सो यहाँ पे इसी फॉर्म को एक दूसरा प्रिंट करना है और पूरे बारीकी से भरना है। तो जिस तरह से जितने भी हिस्सेदार होंगे वो पूरे जैसे यहाँ पे दर्शाना होगा। अब आपको मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि सर ये तो नहीं हो सकता है कि जो हिस्सेदार है उनको सिर्फ 2 ही बेटा हुआ, हो सकता है 3 भी हो। तो यहीं पे कॉलम छोटा छोटा बना के आप लिख लीजिएगा, आप बाकी समझ सकते हैं। अब जैसे ही आप ये फॉर्म को भर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक और वंशावली फॉर्म आपको भरना होगा। आप कैसे भरेंगे तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया गया है कि प्रपत्र 3-1.1 वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ देखिए ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका, और यहाँ देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। अब यहाँ पे दोस्तों के रैयत का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या रैयत का नाम लिखना है, तो जिनके नाम से जमीन है उनका जो पहला उत्तराधिकारी है, जैसे मान लीजिए ए पर्सन के नाम से जमीन था और ए पर्सन का दो उत्तराधिकारी है बी और सी, तो जो बी व्यक्ति है उनका यहाँ पे जो सो नाम लिखा जाएगा। उसका बी व्यक्ति का जो पिताजी का नाम है यानी जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे स्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी और जमाबंदी संख्या लिख लेना है। इसी तरह से दोस्तों ए पर्सन का जो उत्तराधिकारी बी पर्सन है उनको जितना भी बेटा बेटी है उनका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। पहले बेटा का नाम लिखना है, उसके बाद अपने बेटा का जो सो अपना नाम यानी उनके पिता का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे अस्थाई पता जो भी जानकारी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अस्थाई पता सेम ही होगा, खाता संख्या सेम होगा, खेसरा ये भी जो सेम ही होगा। तो आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से कोमा लगा लीजिएगा नीचे में, जैसे कि इस तरह से इन्वर्टेड कोमा होते हैं, तो इस तरह से आप कोमा लगा के लिख सकते हैं या फिर आप खुद से लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बी पर्सन का भी पूरा डिटेल होगा और इसी तरह से ए पर्सन का दो उत्तराधिकारी है बी और सी, तो सी पर्सन का भी जितना जो सो फैमिली मेम्बर होंगे उनका यहाँ पे डिटेल दर्ज
होगा, तो इस पर नहीं होगा। इसी तरह से एक और प्रिंट कर लीजिएगा, उस पर डिटेल दर्ज होगा। और इसके बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म जितना है, ये फॉर्म और साथ में दोस्तों आपके पास जो प्रपत्र दो फॉर्म है वो, और ज़मीन से जुड़ी जितने भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है। हालांकि नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दी गई कि अगर मृत्यु हो गया हो तो मृतक जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि या वर्ष या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी दी गई तो ये सब दस्तावेज पूर्ति कर लीजिएगा। सीधे शब्दों में जान लीजिए कि जितनी भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं ज़मीन से जुड़ी, वह सभी दस्तावेज दे दीजिएगा ताकि आपका आसानी से जो है यहाँ पे सर्वे के दौरान सर्वे हो जाए। और सर्वे करते समय आपको ज़मीन पर उपस्थित रहकर ही सर्वे कराना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। हमने इस वीडियो में आपको पूरे बारीकी से जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पूरे बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखने के बाद उन्हें फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी या समस्या ना हो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।